जय हिंद साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धनीधर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं इकोलॉजी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम हो जाएगा हमारे कम्युनिटी। अब कम्युनिटी को हम हिंदी के अंदर समुदाय के नाम से जानते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी के बारे में। सबसे पहले साथियों, हम यदि कम्युनिटी की बात करें तो ये कम्युनिटी क्या होता है, तो याद दिखेगा इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने जो इकोलॉजी के 6 संस्तर पढ़े थे, उन 6 संस्तर में से हमारे तीसरे नंबर का जो संस्तर होता है वो कौन सा होता है, कम्युनिटी होता है। तो इकोलॉजी के टोटल पूछे कितने संस्तर होते हैं, तो 6 संस्तर होते हैं। कौन कौन से? IPC E2B, यानी कि इंडिविजुअल, जिसको हमने ऑर्गेनिज्म नाम दिया, पॉपुलेशन हिंदी में समष्टि कहते हैं, कम्युनिटी समुदाय हो गया, इकोसिस्टम जिसको हिंदी में पारितंत्र के नाम से जानते हैं, और बी हो जाएगा यहाँ पर बायोम यानी कि जीवोम, और एक बी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर हमारा बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। तो ये 6 के जो 6 होते हैं ये हमारे इकोलॉजी के संस्तर के रूप में काउंट किए जाते हैं, और संस्तर को इंग्लिश के अंदर होरिजोन के नाम से जानते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरे नंबर का यहाँ पर देखते हैं संस्था, और उसका नाम हो जाएगा हमारे कम्युनिटी, और हिंदी में इसको हम समुदाय के नाम से जानते हैं। अब बात करें यहाँ पर समुदाय की परिभाषा क्या होती है, तो समुदाय की सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी यहाँ पर जीवित जीवों का समूह क्या कहलाता है, हमारे ध्यान रखिएगा समुदाय कहलाता है। जीवित जीवों का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। और ये जीवित जीव जो होते हैं ये किन किन घटकों से मिलकर बने होते हैं, तो याद रखना ये जैविक और अजैविक घटक दोनों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर जैविक घटक और अजैविक घटक क्या क्या होते हैं, तो याद रखना जैविक घटक जो होते हैं वो इकोलॉजी के अंदर 3 दे रखे हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा हमारा उत्पादक, एक हो जाएगा हमारे उपभोक्ता, और एक हो जाएगा हमारे सूक्ष्म जीव। ये जो तीनों जो होते हैं इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, जैविक घटक कहता है, ठीक है ना। और अजैविक घटक कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसके अंदर आपको याद रखना है तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, और इस प्रकार से मर्दा हो गया, अक्षांश विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार हो गया, ऊंचाई हो गया, ये सब के सब जो होते हैं ये अजैविक घटक होते हैं। और जब अजैविक घटक और जैविक घटक आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, समुदाय के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, कोई भी एक गांव है या फिर कोई भी एक शहर है, उसके अंदर जितने भी जीवित जीव है, जैसे हम बात करें वहाँ पर मानव की प्रजातियाँ भी रहती है, तो मानव का अपना एक प्रजाति हो जाएगी, इसी प्रकार वहाँ पर जितने भी मवेशी हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, इसी प्रकार वहाँ पर जितने भी वनस्पति हैं, जितने भी वहाँ पर सूक्ष्म जीव, इन सभी जीवित जीवों का जो भी समूह होगा उस समुदाय को हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी के नाम से जानेंगे। और यहाँ पर अजैविक घटक क्या आ रहा है, तो हमारे बॉडी के अंदर भी कई सारे अजैविक घटक पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें जो हमारे हड्डियाँ जो होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है, तो उन हड्डियों के अंदर जीवन नहीं होता है, यानी कि वो हड्डियां जो होती है वो जीवित नहीं होती हैं, वो जब जलती हैं तो या तो फिर राख बन जाती है, तो राख के अंदर कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम होता है, ये तत्व पाए जाते हैं, और ये जो तत्व होते हैं ये निर्जीव तत्व के रूप में इनको काउंट किया जाता है। इसी कारण से जब अजैविक घटक और जब जैविक घटक आपस में मिल जाते हैं तब किसका निर्माण होता है, कम्युनिटी का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये सभी घटकों के बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे जब हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल इनका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि हम बात करें अब कम्युनिटी के अंदर इसकी विशेषता की, तो जो कम्युनिटी की विशेषता क्या होती है, तो ये याद रखना 2 विशेषता बता रही कि NCERT के अंदर आकार और संख्या। आकार व संख्या जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, और पर्यावरणीय कारक कौन से हो जाएंगे, हमारे जैविक घटक और अजैविक घटक। तो याद रखिएगा कम्युनिटी की जो विशेषता होती है कि कम्युनिटी कितना बड़ा होगा, कितना उसकी संख्या होगी, लाखों में होगी, करोड़ों में होगी या फिर हजारों में होगी, वो सबका सब जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर करता है, पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। और पर्यावरण कारक कौन से हो जाएंगे, हमारे जैविक और अजैविक, ये दोनों प्रकार के पर्यावरणीय कारक होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे कम्युनिटी का नामकरण, या फिर जो समुदाय का जो होता है वो नामकरण जो किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है, तो याद रखना जिस समुदाय का हम नामकरण करना चाहते हैं उसके अंदर डोमिनेंट कौन है, यानी कि उसके अंदर कौन सी चीज़ प्रभावी है, उसी के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर आपको बता रखा है घास का मैदान, अब घास का मैदान अपना आप में एक कम्युनिटी होगा क्योंकि वहाँ पर जैविक घटक भी उपस्थित और अजैविक घटक भी उपस्थित है, तो अब वहाँ पर डोमिनेंट कौन सा चीज़ है, तो डोमिनेंट वहाँ क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको घास ही घास दिखाई देगी, तो इसी कारण से उस समुदाय का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घास का मैदान। इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे मरुस्थल का समुदाय की बात करें, तो मरुस्थल के अंदर क्या हो जाएगा, वहां पर जो क्लाइमेट जो होगा वो शुष्क होगा और वहां पर रेत ही रेत ज्यादा पाई जाएगी, और वहां की जो भी जलवायु होगी वो शुष्क होगी, वो वनस्पति भी शुष्क होगी, तो वहां का एक जो मेन पॉइंट निकल कर आता है वो जो डोमिनेंट क्या है वहां पर, शुष्कता है वहां पर, तो इसी कारण से उस समुदाय का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे शुष्क या फिर मरुस्थल का मैदान हो जाएगा, ये आपको याद रखना। इसी प्रकार जैसे हम बात करें सदाबहार वन हो गया, सदाबहार वन की क्या विशेषता होती है, तो वन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सदाबहार शब्द काम में लिया गया है वो
पर्टिकुलर उस वन के लिए काम में लिया गए हैं जहाँ की वनस्पति 12 महीने क्या रहती है, हरी भरी रहती है। तो वहाँ पर जो हरापन जो है वो 12 महीने बना रहता है, इसी कारण से वो हरापन वहाँ पर प्रभावी हो गया और हरापन के लिए वहाँ पर शब्द लिया गया है सदाबहार। तो वो सदाबहार वन जो होगा वो हमारे क्या हो जाएगा, एक समुदाय का नामकरण हो जाएगा। तो वहाँ पर वो हरापन या फिर जो सदाबहार है वो क्या है, वहाँ पर प्रभावी, इसी कारण से वहाँ का जो वन है उसको कहा गया है सदाबहार वन। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो कम्युनिटी जो होती है उसका नामकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे कम्युनिटी के प्रकार। तो कम्युनिटी जो होती है साथियों कितने दो प्रकार की होती है, मेजर कम्युनिटी और एक हो जाएगा माइनर कम्युनिटी, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं वृद्ध समुदाय और एक हो जाएगा हमारे लघु समुदाय, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो मेजर समुदाय के अंदर क्या होता है या फिर मेजर कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, तो याद रखना इसका जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत बड़ा क्षेत्रफल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे नेशनल पार्क जो होते हैं वो बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैले होते हैं, तो वो हमारे मेजर कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे। और ये स्वतंत्र रूप से ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे, सूर्य से। जो हमारा मेजर कम्युनिटी होगा वो स्वतंत्र या फिर बहुत बड़े क्षेत्रफल में होगा और वो स्वतंत्र रूप से ऊर्जा प्राप्त करता है वो किससे प्राप्त करता है, सूर्य से प्राप्त करता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, जैसे हम बात करें सदाबहार वन हो गया, कौन हो गया, सदाबहार वन हो गया, ये जो होते हैं बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैले रहते हैं और ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम माइनर कम्युनिटी की बात करें, तो ये आसपास से इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ये जो इस माइनर कम्युनिटी के अंदर जो समुदाय आएगा वो समुदाय क्या होगा, अपने आसपास जितने भी चीजें होगी उनसे ऊर्जा प्राप्त करेगा और उन्हीं से भोजन ग्रहण करेगा, ये आपको याद रखना। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें कवक और जीवाणु, ये कवक और जीवाणु ये सूक्ष्म जीव हो जाएगा, तो ये सूक्ष्म जीव का समुदाय हो जाएगा। अब ये जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये इनका आसपास जो भी सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होगा इन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करेगा, इन्हीं पे जीवन यापन करेगा और इन्हीं से ये भोजन को ग्रहण करेगा। तो ये जो कम्युनिटी होती है वो किसके अंदर रखी जाती है, माइनर कम्युनिटी के अंदर रखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम इसी कम्युनिटी के अंदर एक और छोटा सा टॉपिक आता है और उसका नाम हो जाएगा हमारे इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, फिर हमारे कम्युनिटी वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हम इसके अंदर कम्युनिटी के अंदर इकोलॉजिकल सक्सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इनके परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके एग्जाम्पल जो बताऊंगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर इकोलॉजी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है और उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन, या इसी को हम हिंदी के अंदर बोलते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। किस नाम से जानते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के नाम से जानते हैं। और अगर इंग्लिश की यदि बात करें तो इसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है इकोलॉजिकल सक्सेशन। यदि हम सबसे पहले बात करें इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है, क्या तो इसकी परिभाषा या फिर इस टर्म को ध्यान से सुनना, पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है, याद रखना। यह जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण या फिर अनुक्रमण जो टर्म है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये याद रखना। ये क्या है, अनुक्रमण जो होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। कहने का शाब्दिक करते हैं, जिस दिन पृथ्वी का निर्माण हुआ था और उस दिन से लेकर जब तक पृथ्वी का अंत नहीं हो जाता है तब तक ये अनुक्रमण चलता रहेगा, ठीक है ना। ये निरंतर चलने वाली प्रोसेस होती है, ये याद रखना। तो इसके अंदर होता क्या है, इसका अर्थ समझा देता हूँ पहले। अनुक्रमण की यदि हम बात करें या फिर इस पूरे अर्थ की बात करें तो अनुक्रमण क्या होता है, तो यह सार्वभौमिक प्रक्रिया। ये कैसी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है तो ये याद रखना, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है या फिर हम कह सकते हैं यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये आपको याद रखना। ये क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी। अब ये यूनिवर्सल प्रोसेस हमको पता चल गया, ये है जैसा भी मैंने बताया, जिस दिन पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस दिन से लेकर आज दिन तक और आज के बाद में भी जब तक पृथ्वी बनी रहेगी या फिर इस पृथ्वी पर जब तक जीवन रहेगा तब तक ये अनुक्रमण की क्रिया होती रहेगी। इसीलिए इसको कहा गया है सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि निरंतर चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती। अब ये सार्वभौमिक प्रक्रिया हमको पता चल गया, अब इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है वो आपको याद रखना है। तो इसके अंदर याद रखना, इसके अंदर क्या होता है, तो जीवों का एक दिशीय, इसके अंदर क्या होता है, तो एक जीवों का एक दिशीय परिवर्तन होता है, जीवों का एक दिशीय परिवर्तन होता है।
अब ये परिवर्तन कैसे होता है तो इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। जीवों का इसके अंदर क्या होता है, एक दिशीय परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर जीव वो वापस आ जाएंगे, वनस्पतियों का अलग हो जाएगा, उपभोक्ताओं का अलग हो जाएगा और सूक्ष्म जीव का अलग हो जाएगा। जैसे वो हम उदाहरण के रूप में बात करें डायनासोर की बात करें, डायनासोर एक अपने जब डायनासोर का जीवन था तब वो प्रोसेस अलग थी, फिर डायनासोर मरे फिर वहाँ से एक नया जीवन शुरू हुआ और वो जीवन अभी तक चलता रहा। फिर हम बात करें मानव सभ्यता की, तो एक समय ऐसा आएगा जब मानव सभ्यता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, फिर वहाँ से एक नया जीवन चालू होगा, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं जीवों का एक दिशीय परिवर्तन हो रहा है, यानी कि सबसे पहले एक कोशिकीय जीव आए, फिर उनमें थोड़ा थोड़ा और विभेद होता गया या फिर उनमें थोड़ा थोड़ा और इंप्रूवमेंट होता गया और सुधार होता गया और धीरे धीरे आगे जाते जाते मानव का विकास हो और फिर और आगे जाते जाते और वो आगे जैसे जैसे जाएंगे विलुप्त होते जाएंगे और वापस एक नया का नया जीव का परिवर्तन वापस चालू हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम वनस्पति के अंदर देखें तो पहले यहाँ पर वनस्पति लाइकेन हो गए, फिर मॉस हो गए, फिर उनमें और परिवर्तन हुआ, फिर यहाँ पर छोटी छोटी घासें हो गई, फिर घासों के अंदर भी और थोड़े थोड़े बड़े झाड़ियाँ आई। फिर हम बात करें यहाँ पर जो हमारे वनस्पति होती है वो उनका निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे छोटे वृक्षों का निर्माण हुआ, फिर बड़े वृक्षों का, फिर बड़े वृक्षों का, फिर वापस वो बड़े वृक्ष जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, फिर वापस से वो का वो जीवन चलेगा। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस होती है और इसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण के नाम से जानते हैं। तो ये पारिस्थितिक अनुक्रमण कौन सी प्रक्रिया होती है, तो सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर क्या होता है तो जीवों का एक दिशीय परिवर्तन होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट बात करते हैं परिभाषा की, पारिस्थितिक अनुक्रमण की यदि हम परिभाषा की बात करें यहाँ पर, यह तो पारिस्थितिक अनुक्रमण का मैंने यहाँ पर अर्थ बताया, अब इसकी मैं परिभाषा बता रहा हूँ। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी, एक जैव समुदाय का ध्यान से सुनना इसकी परिभाषा, एक जैव समुदाय का दूसरे जैव समुदाय, एक जैव समुदाय का दूसरे जैव समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन क्या कहलाता है, पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है, ये इसकी परिभाषा होती है, ठीक है ना। एक जैव समुदाय का दूसरे जैव समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन होना ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना। अब पारिस्थितिक अनुक्रमण ये इसकी परिभाषा का अकॉर्डिंग देखकर यदि हम, तो जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, मान लो एक वन है हमारे पास में, ठीक है, वो जो वन है वहां पर एक जैव समुदाय पहले अलग था, अब वहां पर मान लो अचानक से आग लग गई या फिर प्राकृतिक घटना हो गई, वहां पर भूस्खलन आ गया या फिर भूकंप आ गया, तो जो पहले वन थे वहां पर जैव समुदाय दूसरा था, अब वहां पर जैसे ही वहां पर भूस्खलन आया या फिर जैसे ही आग लगी तो वो जो पहले वाला जो जैव समुदाय था वो बिल्कुल खत्म हो गया वहां पर। अब वहां पर आग लगने की वजह से वो पहले वाला जो जैव समुदाय खत्म हो गया था, अब वहां पर नया जैव समुदाय आएगा, तो पहले वाले जो जैव समुदाय था उसको दूसरा जो जैव समुदाय है उसने क्या कर दिया, वहां से हटा दिया, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर एक और उदाहरण से समझे, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, वहां पर वनस्पति उग रही है, फसलें उग रही है, फल वृक्ष उग रहे हैं, बहुत सारे फल वृक्ष उग रहे हैं, अलग अलग तरह की वनस्पति उग रही है, तो वो एक हमारे एक अलग जैव समुदाय होगा, लेकिन वहां पर अचानक से कई सारे कीट पतंगों का आक्रमण होता है और वो जो कीट पतंग जो होते हैं वो उस खेत या फिर पर्टिकुलर जो एरिया था उसके अंदर जितनी भी वनस्पति थी उनको नष्ट कर दी, उन्होंने खा पी कर नष्ट कर दी, ठीक है ना। अब पहले वहां पर वनस्पतियों का जैव समुदाय अलग था, अब वहां पर कीट आ गए यानी कि जंतुओं का समुदाय स्थापित हो चुका है, तो एक जैव समुदाय के द्वारा दूसरे जैव समुदाय को जब हटा दिया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण के नाम से जानते हैं। अब ये पारिस्थितिक अनुक्रमण जो होता है इसकी कुछ विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं को हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर हम प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो पारिस्थितिक अनुक्रमण की विशेषता, तो याद रखिएगा पारिस्थितिक अनुक्रमण की यहां पर हम चार पांच विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। सब नंबर फर्स्ट की बात करें तो याद रखिएगा पहली विशेषता तो क्या हो जाएगा, ये अनुक्रमण कैसा होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। पहली विशेषता क्या हो जाएगी, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना, ठीक है। नंबर सेकंड की बात करें, नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर जो अनुक्रमण जो होता है इसके दौरान जो उत्पादकता जो होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। अब ये कैसे होती है जब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। नंबर थर्ड बात करें, जब भी अनुक्रमण होगा तब ध्यान रखना जो भी जैव विविधता होगी, जैव विविधता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, जैव विविधता में भी वृद्धि। और नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ याद रखना, जब भी अनुक्रमण होगा उसके दौरान जो भी हमारा खाद्य जाल जो होगा, खाद्य जाल में क्रमिक रूप से वृद्धि होगी, क्रमिक रूप से वृद्धि, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगला बात करें नंबर फिफ्थ पर हो जाएगा, जब भी अनुक्रमण होगा तब ये क्या करेगा, पोषक तत्वों का
पोषक तत्व का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। जब भी अनुक्रमण होगा ध्यान रखना उसके अंदर उसी के साथ साथ में क्या होगा, पोषक तत्वों का भी क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो ये इसकी प्रमुख रूप से पांच विशेषता होती है जो हमें याद रखनी है। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इनका अर्थ क्या होता है वो जब हम इनके प्रकार पढ़ेंगे तब वहां पर मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अब हम इसके देखते हैं प्रकार। यदि यहाँ पर हम इनके प्रकार की बात करें साथियों, तो इसके दो प्रकार होते हैं जो अनुक्रमण जो होता है पारिस्थितिक अनुक्रमण, इसके कितने दो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं इसके, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट की बात करें तो पहला तो हो जाएगा प्राथमिक अनुक्रमण। कौन सा अनुक्रमण, प्राथमिक अनुक्रमण, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर प्राइमरी सक्सेशन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है, तो ध्यान से सुनना इसकी परिभाषा। ऐसा अनुक्रमण जहाँ पर पहले कोई भी जैव समुदाय नहीं था और वहाँ पर जो जैव समुदाय स्थापित होता है उसी को हम बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। परिभाषा क्या हो जाएगी, जहाँ पर पहले कोई जैव समुदाय नहीं था, जहाँ पहले कोई जैव समुदाय नहीं था और वहां पर स्थापित होने वाला समुदाय, वहां पर स्थापित होने वाला समुदाय ही क्या कहलाता है, हमारे प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। और ये जो प्राथमिक अनुक्रमण जो होता है ये किसकी सहायता से वहां पर स्थापित होता है या फिर आबाद होता है, तो ये याद रखना किसकी सहायता से स्थापित या फिर आबाद होता है, तो याद रखना ये जो होता है वो होता है हमारे पायोनियर कम्युनिटी की सहायता से होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राथमिक अनुक्रमण की एक तो परिभाषा आपको याद रखनी है, परिभाषा क्या हो जाएगी, पहले कोई जैव समुदाय बिल्कुल ही नहीं था, अब वहां पर जो भी जैव समुदाय स्थापित होगा उसे हम बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रमण के नाम से जानते हैं। और ये प्राथमिक अनुक्रमण जो होता है किसकी सहायता से यहाँ पर स्थापित होगा या फिर आबाद होगा यहाँ पर, तो याद रखना किसकी सहायता से, पायोनियर कम्युनिटी की सहायता से ये यहाँ पर आबाद होता है। अब ये पायोनियर कम्युनिटी क्या होती है, तो याद रखना जो हमारा अनुक्रमण जो होता है इसके अंदर तीन तरह की कम्युनिटी आती है, तीन तरह की बायो कम्युनिटी आती है। पहली होती है पायोनियर कम्युनिटी, दूसरी हो जाएगा सीरियल कम्युनिटी और तीसरी हो जाएगी हमारे क्लाइमेक्स। उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, पहले इनके प्रकार के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये टर्म याद रखना पायोनियर कम्युनिटी। अब जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर हम बात करें कि प्राथमिक अनुक्रमण जो होता है वो कहाँ पर स्थापित होगा, तो पहले कोई जैव समुदाय नहीं थे वहाँ पर, जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं, जैसे उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारे लाइकेन व मॉस। कौन हो जाएगा, लाइकेन व मॉस, ठीक है ना। ये जो होते हैं किसके अंदर आते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण के अंदर आते हैं, ये याद रखना, या फिर किसके अंदर आते हैं, पायोनियर कम्युनिटी के अंदर आते हैं। अब ये लाइकेन जो मॉस होते हैं ये कहाँ पर उगते हैं, तो आपको सभी को पता होगा ये कहाँ पर उगते हैं, चट्टान पर उगते हैं। कहाँ पर, चट्टान पर ग्रो करते हैं, चट्टान पर उगते हैं, कहाँ पर उगते हैं, ये चट्टान पर उगते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो चट्टान जो होती है वो बिल्कुल हमारे हम कह सकते हैं निर्जीव होती हैं और चट्टान के ऊपर किसी भी प्रकार का जीवन यापन संभव नहीं होता है। अब जब चट्टानें तापमान की वजह से, बर्फ़ की वजह से और हम कह सकते हैं पानी की वजह से क्या होती है, धीरे धीरे कमज़ोर होती है, और कमज़ोर होती है तो वहाँ पर धीरे धीरे किसकी वृद्धि होने लगती है, लाइकेन व मॉस की वृद्धि होने लगती है। तो चट्टान के ऊपर पहला जो जैव समुदाय स्थापित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। और ध्यान रखना प्राथमिक अनुक्रमण की जो प्रोसेस जो चालू होती है वो कहाँ से होती है, लाइकेन या फिर मॉस से ही होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्राथमिक अनुक्रमण का दो उदाहरण हो जाएगा, कौन, लाइकेन व मॉस, और इनके द्वारा जो भी जैव समुदाय स्थापित होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा प्राथमिक अनुक्रमण, या फिर वही क्या कहलाएगा, हमारे पायोनियर कम्युनिटी कहलाएगा। अब जैसे ही इसके हम थ्योरी देख लेते हैं, फिर यहां पर मैं एक साइकिल बनाऊंगा, उस साइकिल के अंदर आपको पायोनियर कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी और एक हो जाएगा हमारे क्लाइमेक्स कम्युनिटी, वो तीनों आपको वहां पर समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट बात करें पायोनियर कम्युनिटी, ये प्राथमिक अनुक्रमण के अंदर बात करें तो प्राथमिक अनुक्रमण जो होता है यह बहुत धीमी गति से होता है, धीमी गति से होता है। प्राथमिक अनुक्रमण जो होता है ये बहुत धीमी गति से होते हैं, कहने का शाब्दिक अर्थ होता है ये पूरा का पूरा जो प्राथमिक अनुक्रमण जो होता है ये किस पर निर्भर करता है, याद रखना ये किस पर निर्भर करता है, तो ये प्राकृतिक
घटनाओं पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक घटना पर निर्भर करता है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। इसको स्थापित या आबाद करने में कौन सहायता करता है? तो पायोनियर कम्युनिटी करता है। लेकिन ये किस पर निर्भर करता है? तो जितने भी हमारे प्राकृतिक घटनाएं होगी उन्हीं पर निर्भर करेगा, क्योंकि चट्टान जो कमजोर होती है वो निर्भर करती है किस पर? प्राकृतिक घटनाओं पर, यानी कि उसके ऊपर कितना तो पानी आ रहा है, कितना उसके अंदर बर्फ हो रहा है, या फिर कितना उसके अंदर हम बात करें तापमान हो रहा है, तो उन्हीं के उतार चढ़ाव की वजह से या फिर मौसम की घटनाओं के उतार चढ़ाव की वजह से ही ये चट्टानें कमजोर होती हैं और उन्हीं के आधार पर लाइकेन व मॉस की वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो याद रखना, प्राथमिक अनुक्रमण जो होता है किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक घटनाओं पर या निर्भर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसका जो दूसरा प्रकार जो होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जो इसका दूसरा जो प्रकार आता है उसका नाम क्या हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा हमारे साथियों द्वितीयक अनुक्रमण। क्या हो जाएगा? द्वितीयक अनुक्रमण। इसका जो दूसरा जो प्रकार आ जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा? द्वितीयक अनुक्रमण। क्या हो जाएगा? द्वितीयक अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण की क्या परिभाषा हो जाएगी? तो प्राथमिक की तो हमने देखी, जहां पर पहले कोई जैव समुदाय नहीं था वहां पर अगर कोई स्थापित होता है जैव समुदाय उसे तो हम बोलते हैं प्राथमिक। लेकिन द्वितीयक में क्या होता है? जहां पहले कोई जैव समुदाय ऑलरेडी मौजूद है, अब पहले वाले को हटाकर दूसरा वाला आ जाता है उसे हम बोलते हैं द्वितीयक अनुक्रमण। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? पहले वाले जैव समुदाय पहले वाले जैव समुदाय को हटाकर दूसरे जैव समुदाय का आना, दूसरे जैव समुदाय का आना क्या कहलाता है? द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है, या फिर सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में यहां पर बात करें, वन है हमारे पास में, ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में वन है। अब इन वनों में क्या हो जाएगा? या तो क्या लग जाएगी, यहां पर बात करें इन वनों में या तो क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी, वन में आग लगना, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम बात करें वन के अंदर क्या हो जाएगा? भूस्खलन होना, ठीक है। वन के अंदर आग लग गया, भूस्खलन हो गया, कोई भी प्राकृतिक घटना हो गई और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? यह पूरा का पूरा वन नष्ट हो जाएगा और यहां पर फिर एक नया जैव समुदाय आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? फिर एक नया जैव समुदाय आएगा, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक अनुक्रमण के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहला उदाहरण तो ये हो जाएगा। नंबर सेकंड की बात करें तो जैसे हो जाएगा फसल या फिर हम बात करें वनस्पति, ठीक है। किसी क्षेत्र में वनस्पति थी जिसके अंदर हम बात करें यहाँ पर फसलें लगी हुई थी, फल वृक्ष लगे हुए थे और हमारे घास वाली फसलें लगी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा वनस्पति थी। अब इस वनस्पति पर किसका अटैक होता है? वनस्पति पर कीट का आक्रमण। वनस्पति पर किसका आक्रमण? कीट का आक्रमण। अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं द्वितीयक अनुक्रमण। तो वनस्पति थी यहाँ पर पहले, ये वाला एक अलग जैव समुदाय था और जैसे ही कीट इन पर आक्रमण करते हैं तो वनस्पति को खा जाते हैं और फिर वहाँ पर कीट किसका आवास हो जाता है? कीटों का एक नया जैव समुदाय आ जाता है। तो इस ये दूसरा उदाहरण हो जाएगा हमारे द्वितीयक अनुक्रमण का, ये आपको याद रखना। अब बात करें ये जो द्वितीयक अनुक्रमण जो होता है, यह याद रखना, ये द्वितीयक अनुक्रमण जो होता है यह तीव्र गति से होता है। द्वितीयक अनुक्रमण जो होता है तीव्र गति से होता है। यह द्वितीयक अनुक्रमण जो होता है यह क्या होता है? तीव्र गति से होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो अनुक्रमण दो प्रकार का होता है, प्राथमिक अनुक्रमण और एक हो जाएगा हमारे द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण जो होता है वो मूल रूप से ध्यान रखना वो धीमे गति से होता है, और द्वितीयक अनुक्रमण जो होता है ये तीव्र गति से होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम अनुक्रमण के अंदर आने वाली जो तीन प्रकार की कम्युनिटी होती है, बायो कम्युनिटी होती है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अनुक्रमण के अंदर आने वाले तीन प्रकार की कम्युनिटी, सबसे पहले उनका हम नाम देखेंगे और उनका जो परिभाषा होगी वो एक हम चेन के माध्यम से पढ़ेंगे, तो आपको वो डायग्राम या फिर जो चेन होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी और आपके जो बायो कम्युनिटी वो भी प्रकार कंप्लीट हो जाएगी। बात करें यहाँ पर पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंदर हम बायो कम्युनिटी की, बायो कम्युनिटी बायो कम्युनिटी की यहाँ पर यदि हम बात करें या फिर इसी को हम बोलते हैं जैव समुदाय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जैव समुदाय के नाम से, ठीक है ना, जैव समुदाय। तो प्रश्न पूछा आपसे
जो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है इसके अंदर कितने तरह का जैव समुदाय आता है, तो कितने, तीन तरह का आता है, ठीक है ना, ये याद रखना है। अब कौन कौन सा आता है तो ये याद रखिएगा, एक तो हो जाएगा हमारे यहां पर नंबर फर्स्ट पर हो जाएगा यहां पर पायोनियर कम्युनिटी, नंबर सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीरियल कम्युनिटी, और नंबर थर्ड पर हो जाएगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या हो जाएगा? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये तीन प्रकार की इसके अंदर आती हैं, कौन सी कम्युनिटी, पायोनियर कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब यहाँ पर मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट के आधार पर आपको तीन ही प्रकार की ये कम्युनिटी समझ में आ जाएगी। जैसे हम बात करें यहाँ पर हो जाएगी हमारे चट्टान, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी चट्टान। अब इस चट्टान के अंदर क्या होगा, क्षरण होगा। अब ये जो क्षरण होगा वो या फिर इरोजन होगा किसकी वजह से होगा, तो चट्टान का मुख्य रूप से तीन तरह से इरोजन हो सकता है, केमिकली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, ये एक हो जाएगा हमारा बायोलॉजिकली, ठीक है ना। तीन प्रकार से क्षरण होगा और इस क्षरण से वजह से क्या होगी, चट्टान कमजोर होगी और यहाँ पर एक हम कह सकते हैं हल्की हल्की सी मृदा की परत का निर्माण होगा, ये हो जाएगा हमारे मृदा परत, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे मृदा परत का निर्माण होगा। और ये जो मृदा की परत होगी इसके ऊपर किसका निर्माण, कौन ग्रो करेगा, यहाँ पर ग्रो करेगा हमारे लाइकेन व मॉस। ये जो हल्की सी मृदा की परत है, जहाँ पर हल्की सी चट्टान की जो ऊपरी परत थी उसके अंदर क्षरण हुआ और इस चट्टान के ऊपर ही हल्की मृदा का परत का निर्माण हुआ, और इस पर किसकी वृद्धि होगी, लाइकेन व मॉस की वृद्धि होगी, ठीक है ना। अब जैसे ही यहाँ पर लाइकेन व मॉस उगने लगे तो ये जो होते हैं ये थोड़ा थोड़ा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों की भी संख्या बढ़ेगी और ये जो मृदा की परत होगी वो और बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब जीवन धीरे धीरे संभव होने लगा है। तो अब जीवन संभव होने लगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो चट्टान होगी वो भी कमजोर होगी, तो यहाँ पर मृदा की परत का तो निर्माण जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा और चट्टान की जो परत होगी वो धीरे धीरे कम होगी, यानी कि यहाँ से चट्टान से किसका निर्माण होने लगेगा, मृदा का निर्माण होने लगेगा। तो अब आगे जाकर ये जो मृदा की परत होगी ये क्या होगी, इसकी जो लेयर होगी वो भी इस प्रकार से बढ़ने लगेगी, जो हमारी मृदा की जो लेयर होगी वो भी इस तरह से बढ़ने लगेगी, ठीक है ना। पहले ये यहाँ तक ही थी, अब धीरे धीरे ये बढ़कर इतनी होगी, ठीक है ना, ये हो जाएगी हमारी मृदा परत, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ मृदा परत होगी। अब मृदा परत में यहाँ पर पहले तो कौन उग रहा था, लाइकेन वो मॉस उग रहे थे, अब यहाँ पर धीरे धीरे छोटी छोटी इस तरह से वनस्पति भी उगने लगेगी, छोटी छोटी इस तरह से वनस्पति भी उगने लगेगी, और साथ साथ में यहाँ पर छोटे मोटे हमारे जीव जंतु भी आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह से छोटे छोटे जीव जंतु भी आपको देखने को मिलेंगे बड़ी मृदा परत के। और जैसे जैसे ये मृदा परत के अंदर वनस्पति और बढ़ती जाएगी तो किसका निर्माण हो जाएगा, यहाँ पर एक हमारे यहाँ पर हो जाएगा घास की परत का निर्माण हो जाएगा, किसका निर्माण होगा, घास की परत का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो ये घासें हो जाएगी और इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना, ये इस प्रकार से यहाँ पर इस तरह से ये क्या हो जाएगा, घास की परत का निर्माण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे घास की परत, ठीक है, घास की परत का निर्माण होगा। वापस इसी के अंदर थोड़ा और परिवर्तन होगा और थोड़ा और परिवर्तन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर और बड़ी वनस्पति देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये छोटी छोटी घास तो है ही है यहाँ पर हमारे, ठीक है, ये छोटी छोटी घास तो है ही है, ठीक है, ये हमारी मृदा परत का जो क्षेत्रफल होगा वो भी इस तरह से बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। मर्दा की जो सतह होगी वो धीरे धीरे मोटाई में जाएगी और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बड़े वृक्ष भी देखने को मिलेंगे, इस तरह से आपको बड़े वृक्ष भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इस तरह से आपको यहाँ पर बड़े वृक्ष भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर इस तरह से बड़े वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो बड़े वृक्ष होंगे वापस ये आगे जाकर और यहाँ पर आपको शेर, हाथी, चीता ये सब देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको शेर, हाथी, चीता सब देखने को मिलेंगे। और लास्ट में जाकर यहाँ पर आप ध्यान रखना, इसमें वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा और जो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जो प्रजाति नहीं कर पाएगी वो तो यहाँ से विलुप्त होती चली जाएगी और जो डोमिनेंट होगा वो धीरे धीरे और बढ़ने लगेगा और यहाँ फिर आगे जाकर अलग अलग जैव समुदाय का निर्माण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर घास का मैदान बन जाएगा, अलग घास का मैदान अलग बन जाएगा, ठीक है, मरुस्थल का मैदान अलग बन जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पर जल का जो मरुस्थल जो जल का समुदाय होगा वो अलग बन जाएगा, बर्फ का यहाँ पर अलग बन जाएगा, ठीक है ना।
बर्फ का जो समुदाय होगा वो अलग बन जाएगा। तो धीरे धीरे इसी से आगे इन सब का निर्माण होगा और एक समय ऐसा आएगा कि इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, यानी कि या तो मानवीय क्रियाकलापों की वजह से ये समाप्त हो जाएंगे या फिर प्राकृतिक घटनाओं की वजह से इनमें कोई ना कोई परिवर्तन होगा और वापस से ये पायोनियर कम्युनिटी से होते हुए वापस इस सिक्वेंस में चलेंगे। तो यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से ये समाप्त होंगे तो वापस से किसका निर्माण होगा, वापस से पायोनियर कम्युनिटी में, यानी कि चट्टान होगी, चट्टान से वापस मृदा की परत बनेगी, फिर बड़ी मृदा की परत, फिर घास की परत, फिर यहाँ पर और छोटे छोटे जीव जंतु, बड़ी वनस्पति सब दिखाई देगी। वापस इस प्रकार का क्रम आएगा और वापस ये का एक क्रम चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंदर जो जीव समुदाय आते हैं वो तीन तरह के आते हैं। तो ध्यान रखना इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा में यहाँ आपको इसी डायग्राम से बता देता। ध्यान रखना, जब पहली बार कोई अनुक्रमण होता है, जहाँ पहले कोई भी जीव समुदाय नहीं था वहाँ पर अगर पहली बार कोई भी कम्युनिटी स्थापित होती है तो उसे हम बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी। जैसे उदाहरण के रूप में बात करो, यहाँ पर देखो चट्टान थी, चट्टान के ऊपर किसी भी प्रकार का जीवन पॉसिबल होता ही नहीं है, तो वहाँ पर धीरे फिर चरण चट्टान का यहाँ पर इरोजन होगा और फिर एक छोटी सी पतली मृदा की परत बनेगी और वहाँ पर फिर लाइकेन और मॉस उगेंगे। तो पहली बार यहाँ पर जीवन संभव हुआ है लाइकेन और मॉस के वजह से, तो लाइकेन और मॉस को हम क्या बोलेंगे, पायोनियर कम्युनिटी के अंदर रखेंगे, ठीक है। और पायोनियर कम्युनिटी की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब ये सीरियल कम्युनिटी क्या होती है, तो पायोनियर कम्युनिटी के बाद की जितनी भी परत आएंगी या फिर जितने भी आपको कम्युनिटी दिखाई देगी वो सब की सब सीरियल कम्युनिटी होगी। तो सीरियल कम्युनिटी जो कहां से कहां तक होगी, यहां से लेकर यहां तक की जो कम्युनिटी है ये हो जाएगी हमारे सीरियल कम्युनिटी। ये क्या हो जाएगी, हमारे सीरियल कम्युनिटी। तो सीरियल कम्युनिटी की परिभाषा क्या हो जाएगी, पायोनियर कम्युनिटी के बाद की जितनी भी कम्युनिटी होगी वो सभी के सभी किसके अंदर आएगी, सीरियल कम्युनिटी के। लास्ट वाले को छोड़ देना, और जो क्लाइमेक्स जो होगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होगी, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वह कम्युनिटी या फिर वह जैव समुदाय जो अंतिम रूप से स्थाई हो गया है, अंतिम रूप से स्थाई हो गया है, उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, यहाँ तक तो क्या था, हमारे सीरियल कम्युनिटी थी। अब यह जो आपको कंडीशन दिखाई दे रही है सीरियल कम्युनिटी की, इस कम्युनिटी के अंदर क्या होगा, कुछ वनस्पति ऐसी होगी जो या तो विलुप्त हो गई होगी, कुछ जीव ऐसे होंगे जो विलुप्त हो गए होंगे, और जो डोमिनेंट थे वो आगे जाकर या तो घास के मैदान में तब्दील हो गए होंगे, या फिर मरुस्थल में तब्दील हो गया होगा, या फिर बर्फ में तब्दील हो गया होगा, या फिर बर्फ का जो इकोसिस्टम होता है उसमें टुंड्रा बायोम के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा, या फिर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में वो चला गया होगा, ठीक है ना। अब ये जो जितने भी चीज़ होती है ये पूर्ण रूप से स्थायी होगी। जैसे घास के मैदान की बात करें, तो घास का मैदान वो पूर्ण रूप से वहां पर स्थायी हो चुका है। अब या तो उसके अंदर बिल्कुल ही मानवीय परिघटना की वजह से वो बिल्कुल या तो समाप्त होगा, या फिर मान लो प्राकृतिक घटनाओं की वजह से भूस्खलन हो गया, भूकंप आ गया, या फिर सुनामी आ गई, तो वो पूरा का पूरा जो घास का मैदान होगा वो पूरा का पूरा वहां से नष्ट हो जाएगा, फिर वापस से एकाएक क्रम चालू होगा। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी की परिभाषा क्या हो जाएगी, जो जैव समुदाय जो अंतिम रूप से स्थायी होगा। अब इसके बाद में कोई और जैव समुदाय नहीं आएगा, अब इसके बाद में वापस से किसका निर्माण होगा, पायोनियर कम्युनिटी का निर्माण होगा, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा जो जैव समुदाय जो होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो कंफ्यूज मत होना, जो पारिस्थितिकी संस्तर का जो कम्युनिटी होता है, समुदाय होता है, वो अलग होता है, और इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर जो कम्युनिटी जो आता है वो अलग होता है, ठीक है ना। वो दो प्रकार के होते हैं हमारे, मेजर और एक हो जाएगा माइनर कम्युनिटी, और ये जो होता है तीन तरह का होता है, पायोनियर कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी, और एक हो जाएगा हमारे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये इनके उदाहरण याद रखना, पायोनियर कम्युनिटी के अंदर जो होता है पहली बार अगर जो जैव समुदाय स्थापित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पायोनियर कम्युनिटी, जिसके अंदर लाइकेन और मॉस का उदाहरण याद रखना। अब इसके बाद के जितने भी आपके कम्युनिटी आएगी वो सब के सब क्या हो जाएगा, सीरियल कम्युनिटी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो होगा वो जो पूर्ण रूप से स्थापित हो गया है वो क्या हो जाएगा, हमारे क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगा। अब क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बाद में कोई कम्युनिटी नहीं आएगी, या तो ये नष्ट होगा, तो इसके बाद में वापस से नया जीवन यहाँ से प्रारंभ होगा, और वो जो होगा वो फिर हमारे पायोनियर कम्युनिटी के रूप में काउंट करेंगे। तो इसी के साथ में हम इकोलॉजी के अंदर जो हमारे ये जो कम्युनिटी और इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला जो टॉपिक होता है इसको हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।